गुड मॉर्निंग प्रीति सुपर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति शर्मा। तो आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock हो रहा है और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और सवेरे से अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है थोड़ा सा ब्लॉग बनाने का, बिकॉज सवेरे का जो शेड्यूल होता है बेटी को स्कूल भेजने का, तो सवेरे मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ, तो तब से अभी तक मैं पूरा बिजी थी कंटिन्यू। तो अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूं। तो बस अब मैं दिन के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं और बेटी के स्कूल के लिए भी मैंने भिजवा दिया था। तो बस अब लंच में अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस अभी आज का जो मौसम है वो आज थोड़ा सा बाहर धूप है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बाहर से एकदम बहुत तेज रोशनी आ रही है। देखिए बहुत तेज रोशनी आ रही है, तो बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, बट ये कि थोड़ी सी हवा भी है और मॉर्निंग में तो ज्यादा ही ठंडा रहता है, मॉर्निंग में काफी अच्छा होता है मौसम यहाँ पर। तो बस कल का आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, कल का जो मेरा व्लॉग था संडे को, सैटरडे वाला व्लॉग जो था वो मैंने कल अपलोड किया था, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आज बात करने वाली हूँ, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि YouTube पर जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला तो उस समय मैंने कैसे बोला और कैमरे को मैंने कैसे फेस किया, तो यही मेरा आज का टाइटल है कि कैमरे को मैंने कैसे फेस किया जब मैंने YouTube पे वीडियो डाला। तो पहले जो मेरा जो चैनल था वो मेरा चैनल कोई और चैनल था, ये चैनल तो यही था बट नाम उसका कुछ और था, ये नाम नहीं था। और मैंने तो शायद 4-5 नाम चेंज किए, इतने शायद ही किसी नाम चेंज किए होंगे, मैंने बहुत सारे नाम चेंज किए अपने चैनल के, बहुत सारे नाम अलग अलग रखे हैं, कभी मुझे कुछ सही लगा तो मैंने उसको रख लिया, फिर मुझे कुछ सही लगा तो मैंने उसको रख लिया, मतलब समय के अकॉर्डिंगली जैसा समय चल रहा था, जैसी सिचुएशन चल रही थी और जैसा उसमें मुझे लग रहा था कि ये वीडियोस में डाल रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम होना चाहिए, तो मैंने बीच में, और वैसे भी मेरे चैनल काफी पुराना है तो इसमें 1-2 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो इसमें मैंने बहुत सारे नाम चैनल के चेंज किए हैं। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग शुरू से मेरा चैनल देख रहे हैं, इस चीज को वो लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे नाम चेंज किए अपने चैनल के। तो और जो सबसे पहला जो मेरा चैनल तो यही था लेकिन इसका नाम कुछ और था, तो वो जो मेरा चैनल था उसमें मैंने 2-3 वीडियोज अपलोड की थी, लेकिन वो जो मेरा चैनल था वो मेरा चैनल इसके लिए नहीं था, ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ या फिर रिव्यू कर रही हूँ प्रोडक्ट का, तो इसके लिए मेरा वो चैनल नहीं था बिल्कुल भी। वो चैनल था मेरा शॉर्ट हैंड के ऊपर, वो मेरे पास अब आई थिंक वो वाला जो अकाउंट है वो है भी नहीं शायद, वो शो भी नहीं होगा। तो वो जो मेरा चैनल था वो था शॉर्ट हैंड के ऊपर, और शॉर्ट हैंड के ऊपर ही मैंने वीडियोज बनाई थी, मैंने एक्चुअल में शॉर्ट हैंड की है, तो आई थिंक आप में से काफी लोग जानते होंगे शॉर्ट हैंड, जानते होंगे और शायद काफी लोगों ने की भी होगी शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड मैंने की हुई है। तो शॉर्ट हैंड के ऊपर मेरा वो चैनल था जिसमें मैं शॉर्ट हैंड सिखाती थी, तो शॉर्ट हैंड तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और शॉर्ट हैंड मतलब मुझे बहुत पसंद थी शॉर्ट हैंड, तो मैंने उसी के ऊपर चैनल अपना बनाया था, बट उस पर फिर मैं ज्यादा नहीं कर पाई, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर मैंने कुछ ही वीडियोज उसके ऊपर बनाई थी, आई थिंक 3 या 4 वीडियोज मैंने बनाई होगी, तो फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। तो सबसे पहला जो मेरा चैनल था वही था, वो मेरा सबसे पहला YouTube का चैनल था। तो उस समय तो जब मैं शॉर्ट हैंड सिखा रही थी तो उस समय कुछ ज्यादा ऐसा बोलने का था नहीं उसमें, कि मैं कैमरे को फेस करने का नहीं था कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूं, तो बट उसके बाद जब मैंने ये वाला अपना चैनल स्टार्ट किया तो इसमें बोलने का था कि भाई कैमरे के सामने बोलना है, तो उस समय एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे हम कैमरे के सामने बोलें और किस तरीके से बोलें, और मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन थी, एकदम नहीं बोला जा रहा था, और अभी भी कई लोग कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो मैं ये भी नहीं कहती कि मैं भी बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है या थोड़ा सा उतना एकदम नहीं बोला जाता है कैमरे के सामने, बट फिर भी जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कैमरे के सामने, वो बहुत बड़ी बात है,
और बहुत ही उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है जैसा कि लगता है कि भाई आराम से चलो जी फोन ऑन कर लिया या कैमरा ऑन कर लिया और उसके सामने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो ऐसा सिर्फ देखने में लगता है या सुनने में लगता है, बट जब हम उस काम को करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि उस काम, वो जो काम है वो इतना आसान नहीं है। तो उसको करने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम बोलते हैं वीडियो में और कैमरे के सामने हम लोग बोलते हैं तो बहुत उसमें मेहनत लगती है और एकदम कैमरे को फेस नहीं किया जाता है, और कई बार सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि कैमरे को फेस करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वीडियोस बनानी होती हैं, फिर भी काम करना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं अलग अलग। तो हमेशा ही नहीं ऐसा होता है कि भाई कैमरे के सामने अच्छे से बोल पाएं या अच्छे से बात कर पाएं। तो कई बार ये होता है कि बहुत अच्छा कुछ ऐसा टॉपिक इतना अच्छा होता है कि उस पर और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये है कि इस पे तो काम करना है और इस पे अगर काम करना है तो कैमरे को फेस करना ही पड़ेगा। और कैमरे के सामने बोलने के लिए आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, तो तभी आप उस पे अच्छे से बोल सकते हैं, और आपको खुद उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप किसी को बता सकते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया तो उस समय की आप मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियोज हैं वहां ये वो उनको मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर मैं साथ साथ आपको थोड़ी छोटी छोटी उनकी क्लिप्स दिखाऊंगी कि उस समय मैं वहां पर कैसे बोल रही हूँ, मुझे बोला ही नहीं जा रहा है वहां पे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं बोलूं क्या, हालांकि मुझे टॉपिक पता है कि मुझे किस टॉपिक पे बताना है, लेकिन कैमरे को फेस करने वाली बात है कि कैमरे को जब हम फर्स्ट टाइम फेस करते हैं और स्टार्टिंग जब हमारा टाइम होता है यूट्यूब पर, तो उस समय कैमरे को फेस करना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद तो ये कि धीरे 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 आप लोग जब कंटिन्यू पे काम करते रहते हैं तो एक हैबिट हो जाती है और हेजिटेशन खत्म हो जाती है और आप इजीली सब कुछ बता पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, कैमरे को फेस कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे आज ये लगा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, और काफी टाइम से मेरा मन था कि मैं जो ये मेरा चैनल है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, और इससे रिलेटेड जो भी और जो यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि उनके खुद के भी यूट्यूब चैनल हैं, वो खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि सामने कैमरे के सामने नहीं आते हैं, सिर्फ बोलते हैं, वॉइस ओवर करते हैं बट कैमरे के सामने नहीं आते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कुछ अलग ही टॉपिक पर वीडियोज बनाते हैं तो उनका फेस कैम नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स जो कि नहीं आते हैं कैमरे के सामने, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब ये ग्लूकोज बना रही हूँ, ग्लूकोज वाटर, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा दिन के वक्त, और मेरी बेटी भी आज जल्दी आ गई है स्कूल से, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपायर हो गया है तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई है। तो अब इस समय गर्मी लगती है तो थोड़ा सा ग्लूकोज पीने का मन करता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये नींबू पानी वाला ग्लूकोज है, तो इसको मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं पहले एक गिलास इसमें पानी ले लूंगी, और इसमें मैं ये ग्लूकोज के 4 चम्मच डाल दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है, ये मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके पियेंगे, आप भी बनाएं घर में जरूर ट्राई करें। तो इन दोनों को मिक्स करके पीते हैं तो बहुत ही अच्छा एकदम रियल नींबू पानी लगता है। इसमें ग्लूकोज में बहुत अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो ये नींबू पानी वाला हमें बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में पीने में। तो यहाँ पर अभी हमने नींबू पानी बनाया है, और ये देखिए ये है मेरे हाथ में नींबू पानी। तो अब अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लंच करेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी है मेरे साथ, देखिए इसने अपने लिए नींबू पानी खुद से बनाया है अपने कप में, देखिए।
आज इनकी थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर इनका हाफ डे हो गया है। और स्कूल से अभी तुरंत ही मैसेज आया है कि बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई है और बच्चों की बस जल्दी आ जाएगी। तो वैसे इनकी बस डेली 4 बजे आती है, तो आज आई है 1:30 बजे, अभी 1:30 पे इनकी बस आ गई थी, तो जल्दी आ गई मेरी बेटी आज। तो थोड़ा सा उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है उसको भी कि आज जल्दी छुट्टी हो गई है, और नहीं तो बहुत लेट हो जाता है, 4 बजे तक आते हैं तो उसके बाद बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बस अभी हम दोनों साथ में ये नींबू पानी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो ये ग्लूकोज है बट इसका जो फ्लेवर है वो नींबू पानी वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी इस फ्लेवर को जरूर ट्राई करें। ऐसा लगता है बिल्कुल रियल नींबू पानी पी रहे हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसको पी के एकदम समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, थकावट दूर हो जाती है बिल्कुल। मेरा तो हो गया खत्म, मेरी मूछें बन चुकी है पानी पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप तो आप भी इस ग्लूकोज को जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से किसके पास ये है और ये कौन पीता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, कि जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट अपना वीडियो डाला था तो वो मेरा वीडियो कैसा था और आप लोगों ने वहां पे क्लिप भी देखी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अपना कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।